नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नई सुबह रहनमाई प्रोग्राम के करियर काउंसलिंग सेशंस के साथ मैं हूं सलीम ताहिर। आज के सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने VI बच्चों के अंदर टैलेंट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप इस बात का कैसे पता चला सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं। हम आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं कि टैलेंट की मुख्तलिफ इकसाम हैं, उनमें से कौन सी आपके बच्चे के अंदर मौजूद है, इसे आप कैसे ढूंढेंगे, इसे आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आपको इस सेशन के अंदर बताएंगे। करियर काउंसलिंग के लिए आइडियल एज 12 टू 13 ईयर्स है। जब आपका बच्चा इस उम्र तक पहुंच जाए तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना शुरू कीजिए कि आपके बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, वो किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करता है। ये चीज़ आपको अपने बच्चे को समझने में आसानी फ्राहम करेगी और आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट मौजूद है। तो जैसे ही आपका बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो चीज़ों को समझने लगे, तो आप उसके बारे में जानना शुरू कीजिए कि उसे क्या चीज़ पसंद है, उसे क्या चीज़ नापसंद है, वो किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड इंटरेस्ट। आप सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। नंबर टू, ऑब्जर्वेशन। आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बच्चा किन एक्टिविटीज़ में खुशी महसूस करता है, किस एक्टिविटी को करना उसे ज़्यादा पसंद है। आप जितना ज़्यादा अपने बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही एक्यूरेटली आप असेस कर पाएंगे कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी खूबी मौजूद है। तो आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बच्चे को क्या सुनना पसंद है, क्या उसे म्यूज़िक सुनना पसंद है, या उसे स्टोरीज सुनना पसंद है, या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो उसे करना पसंद है, जिसे करने से वो थकता नहीं, जिसे करने से वो खुशी महसूस करता है। नंबर थ्री, ईज़ ऑफ डूइंग। आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस एक्टिविटी को आसानी से कर लेता है। उसे चंद एक्टिविटीज़ करने के लिए दीजिए और इस बात का मुशाहिदा कीजिए कि वो उनमें से कौन सी एक्टिविटी निहायत आसानी के साथ कर लेता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, तो आप उसे ये एक्टिविटी दीजिए कि वो कोई सॉन्ग या कोई चीज़ आपको गाकर सुनाए। या अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में है, तो आप उसे ये एक्टिविटी दीजिए कि वो आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके दिखाए। तो क्या वो इजीली और परफेक्टली इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर पाता है या नहीं, इससे आपको उसके टैलेंट को समझने में आसानी मिलेगी। या फिर अगर आपके बच्चे को स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप उसे एक टास्क दीजिए कि आप अपनी तरफ से हमें कोई स्टोरी बना कर दिखाएं। तो क्या वो कोई स्टोरी बना सकने की अहलियत रखता है। इस तरह आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देकर ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा किस एक्टिविटी को आसानी के साथ मुकम्मल कर लेता है। तो इस तरह आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट, कौन सी सलाहियत मौजूद है। नंबर फोर, कॉन्फिडेंस। आप इस बात का मुशाहिदा कीजिए कि आपका बच्चा किस काम को निहायत कॉन्फिडेंस के साथ करता है, किस काम को करने में वो झिझकता नहीं, शाय फील नहीं करता। इन चीज़ों के बारे में आप अपने बच्चों के अंदर मुशाहिदा कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं। अगर सिंगिंग है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने सिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर उनके अंदर सिंगिंग की एबिलिटी मौजूद है, लेकिन वो उसे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते, तो आपको उसके टैलेंट को नरिश करने की ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कीजिए कि आपके बच्चे के अंदर किस चीज़ को करने का कॉन्फिडेंस मौजूद है। नंबर फाइव, क्वेश्चंस। आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा सवाल करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है, किस एक्टिविटी के बारे में उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होते हैं। आप इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा सवाल कर रहा है, तो आप उसे उसके सवालात का एक्यूरेट जवाब देने की कोशिश कीजिए कि वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करे। तो अगर आपका बच्चा किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में आपसे सवालात करता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपसे सवालात करता है, तो आप उसके सवालात का एक्यूरेट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि वो किस चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा सवालात कर रहा है। नंबर सिक्स, एक्सप्लोर। आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बच्चा किस चीज़ को एक्सप्लोर करता रहता है, किस चीज़ के बारे में वो नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता रहता है,
किस चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ उसके टैलेंट को पहचानने की जानिब आपकी रहनुमाई करेगी। तो ये तमाम स्टेप्स आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी सलाहियत, कौन सी खूबी, कौन सा टैलेंट मौजूद है। तो आप इन स्टेप्स के ज़रिए अपने बच्चों के अंदर छुपी हुई खूबियाँ, उनकी सलाहियत और टैलेंट को पहचान सकते हैं। सिर्फ आपको उन्हें टाइम देना है, उन्हें ऑब्ज़र्व करना है, उनके सवालात के जवाब देने हैं और उन पर नज़र रखनी है कि आपका बच्चा किन एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी लेता है, किन एक्टिविटीज़ के बारे में आपसे सवालात करता है, किन एक्टिविटीज़ में वो कॉन्फिडेंस महसूस करता है। इन तमाम चीज़ों से आपको ये जानने में आसानी मिलेगी कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट मौजूद है और फिर आप उसके लिए कोई राइट डायरेक्शन चूज़ कर सकेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।